चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ सल्यूट या चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ एनालट जिसे हमने पिछली स्लाइड्स पे वाइंड अप किया था उसी की कुछ और एग्जाम्पल से हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे रिवर्ट किया जा सकता है लेट्स ट्राई अनदर सैम्पल प्रॉब्लम वी हैव ए मिक्सर ऑफ बेंजुइक एसिड एंड फिनोल नाओ बोथ आर एसिडिक इन नेचर बेंजुक एसिड आर डेफिनेटली स्ट्रोंग एसिड्स एज कम्पेयर टू पैरामिथॉक्सि फिनोल इसीलिए पी के ए वैल्यू जो बैनजिक एसिड की है वो 4.2 है और पी के ए वैल्यू जो पैरामिथोक्सीफिन की है वो सिर्फ 10 बहुत कम इसके मुकाबले में इनकी एसिडिक बिहेवियर बहुत कम है पी के ए वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन ये पी के वैल्यू ज़्यादा होना शो कर रहा है कि बहुत वीक एसिड्स हैं वट शुड वी डू नाउ एट फाइव परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों डाइक्लोरोन में सॉलेबल थे अगर हम 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो फिनस पैरामिथोक्सीफिन और बैनजिक एसिड ये दोनों ही सॉल्ट फॉर्म में आ जाएंगे और इनके सोडियम सॉल्ट डेफिनेटली वाटर सोलबल ज़्यादा होंगे तो डाइक्लोरोमीथेन को एम टी छोड़ कर ये दोनों के दोनों हमारे वाटर सोलबल बनने के बाद वाटर लेयर में चले जाएंगे यानी एक्सट्रैक्शन तो इस सूरत में पॉसिबल नहीं हुई अगर वो पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थे तो अब दोनों सॉल्व सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वट शुड वी डू देन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करें जो एक वीक बेस है तो फिर क्या होगा चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रॉपर एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स इसलिए एक वीक बेस के साथ ये टाइटेट कर जाएंगे और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा लेकिन फिनोल चूंकि वीक एसिड्स हैं इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के सैचुरेटेड सोलूशन में इनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा इसलिए ये सॉल्ट फॉर्म में नहीं आएंगे और बहुत मुमकिन है कि ये ऑर्गेनिक लेयर में ही रहें इस तरह इस छोट थोड़ी सी केमिस्ट्री में चेंज से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करके हमने फिनोल को पैरामेथॉक्सी फिनोल को एसिड या बेंजिक एसिड से अलग कर लिया लेट्स ट्राई अ थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम इफ़ वी हैव अ मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन पैरा क्लोरो अब क्या करेंगे कौन सी चीज़ को हम एक्वासोल्यूशन भेजने के लिए या वाटर लेयर में सॉलबल करने के लिए काविश करें दोनों किस्म की केमिस्ट्री यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलके इसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा वाटर लेयर में सॉलेबलिटी इसकी बेहतर हो जाएगी और अगर हम एच के साथ ट्रीट करें डेफिनेटली फाइव परसेंट एच ही हम इस सूरत में यूज़ करेंगे तो अमोनिया एन एच की फॉर्म में आ जाएगा यानी अगेन अब इसका सॉल्ट बन गया तो ये वाटर लेर में सॉलेबल हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि हमने परसेंट के साथ ट्रीटमेंट की और इस सूरत में सॉल्ट ऑफ पैरा क्लोरो एनिलीन फॉर्म हुआ जो वाटर में सॉलेबल हुआ बेंज़ुक एसिड दोनों वजूहत की वजह से अब एक्वस ऑर्गेनिक लेयर में ही रहेगा चूँकि एच सी एल की कंसन्ट्रेशन हमारे एक्वस लेयर में ज़्यादा है इसलिए बेंजुक एसिड अगर थोड़ा बहुत पार्शली सॉलेबल होना भी था तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारा ये एसिड सोलूशन क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन मैक्सिमम इस वक्त हमारी एक्वस लेयर में मौजूद है और वो बेंजुक एसिड के तमाम पॉसिबल मुमकिनत को ख़त्म करके बेंजुक एसिड को ऑर्गेनिक लेयर में ही सॉलबल रखेगा तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री चेंज करके बेसिस को एसिड्स के साथ वीक एसिड को स्ट्रांग एसिड्स के साथ या एक नॉन एक पोलर कंपाउंड्स को नॉन पोलर से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाई चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी कैन सेपरेट दीज मॉलिक्यूल एंड मेक दैम सोलेबल इन वाटर वी कैन सेपरेट अल्कलॉड्स अल्कलॉड्स जो ड्रग्स के तौर पर भी पाए जाते हैं अल्कलाइड्स जो कैफिन की सूरत में टी में या निकोटीन की सूरत में तम्बाकू में मुख्तलिफ़ों पर अल्कलाइड्स मौजूद हैं तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए जब ड्रग की एनालिस करना चाहें तो एक्सीपिय से हमें ड्रग को सेपरेट आउट करना होता है वहाँ भी हम इस केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनिक एसिड्स वो फूड सप्लीमेंट uh, का पार्ट होते हैं तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम किसी बेस के साथ रेड करके वाटर सॉलबल बनाकर इनको भी अलग कर सकते हैं और रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आम तौर पर फूड में मौजूद होंगे वो सब के सब ऑर्गेनिक लेयर में ही रह जाएंगे इस केमिस्ट्री को हम एनालिसिस में फ्रीकेंटली इस्तेमाल करते हैं जो एनालिसिस में हमें बहुत हेल्पफुल तकनीक के तौर पर इस्तेमाल होती है।